अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दरवाजा बंद किया था, धक्का देके आ गई। थोड़ी सी भी समझ है तुम्हें, दरवाजा बंद हो तो नॉक करके आना चाहिए अंदर। वो हमको, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। तुम पहले बाहर जाओ, बाहर जाओ कमरे से, मुझे चेंज तो करने दो। पर हमने हमने घूंघट लिया हुआ है, देखिए हमारी आंखें भी ढकी हुई है, आप हमारी बात सुन लीजिए बस। कमरे से बाहर जाओ अभी। अरे दो मिनट के बाद बता देना, मैं टॉवल में खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे कपड़े पहनने दो पहले। ठीक है, आप जल्दी से कपड़े पहन लीजिए फिर आ जाएगा। तुम पहले बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ, बाहर जाओ, आ जाओ। विंध्या, तुम मंदिर से आकर तुमने बताया भी नहीं। अच्छा छोड़ो, ससुर जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी चलो। दीदी वो हमें विंध्या बस... जो भी काम बाद में करना, मैं पता नहीं है ससुर जी को गुस्सा आ गया तो कैसा ज्वालामुखी फटता है। चलो अरे बर्फी भाभी, कितनी चटकदार लिपस्टिक लगाई है आपने, बहुत है, चमक रही है आपकी ओट पे। हट, तिहारों की जय हो। अरे ये तो जुबली के पापा ने ना खास तौर से दुबई से मंगाया है। तुम ना समझो। हाँ सही कहा भाभी, अब हम कहा जाने ही मॉडर्न फैशन, लेकिन कुछ अलग दिखा इसलिए कह दिए। अम्मा हमको भी दिखाओ। अरे अम्मा ही तो सच में अच्छा लग रहा है, हमको भी दो ना। बाद में देंगे, जाओ काम करो। हथियारों की जय हो। अरे अपनी भांजे के ही ससुराल में मेवा चुरा रही हो। राम भले करे, हम सोचे रात बिरात भूख लगेगी तो क्या करेंगे, तो बस ये सब तो प्रसाद है ना। ये मिठाई प्रसाद है, पर ये गहने प्रसाद ना है। ये भगवान का जो वस्त्र है ना, वो प्रसाद है, याद रहेगा ना। आराम भले करे। अम्मा हमारा शगुन का थाली कहाँ है? अरे बिटिया तुम्हारा शगुन का थाल तो बड़े जतन से बनाए हमने। हाँ? ये लो, ये देखो, ये तो बहुत सुंदर है अम्मा। अरे मेहंदी लगाई? हाँ हाँ, ये देखो। हमने भी लगाई। हमने भी लगाई है। क्या है? किसने बुलाया? का मतलब है कौन बुलाए? हम बुलाए उसे। इंडिया की पहली तीज है, सास हो तुम उसकी। अरे के हाथों पर मेहंदी लगाओ। जी जी अभी बना ही रहे थे जी। पूजा का थाल दो, अब ये सब परंपरा ये हम सिखाएंगे तुम्हें। जी अभी अभी लो। रंजन ला वो थाली लेकर, चल चल। अरे वो थाल ला ना ये, अरे वो इसमें डालना, और साड़ी, हाँ वो गहने में, गहने डाल दे, देखो बस हो ही गया। एकदम तैयार है जी। अरे मेहंदी लगाओ ना। हम लगाएंगे जी। हाँ रंजन ले जी, जी ला।
हमें वो अभय जी से बात करनी है। वो हमें क्यों? तुम्हें ना एक बार में कोई भी बात समझ ना आती है ना? अरे नाम मत लेना मुख्यमंत्री जी का इस घर में। हमारे लल्ला की नौकरी ना एक बार तो जाते जाते बची है, चुपचाप खड़ी रहो। देखो लगा रहे हैं जी, ये अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे सुनो बहन, यहाँ आओ। हाँ? आप बिंदिया रानी को ना मेहंदी लगाओ, रख दे। तुम्हारी थाल यहाँ रखा है। कोई कुछ भी कहे, हमने जो सुना है वो हमें अभय जी को बताना ही पड़ेगा। हम थोड़ी देर में लगा लेंगे। के चल नहीं सकती। नहीं वो तो हम बस एक घूंघट, इसी बेवकूफी की वजह से तुम जगह जगह टकराती रहती हो। कल हॉस्पिटल में भी तुम्हारा ध्यान अपना चेहरा छुपाने पर ज्यादा था। ठीक तो हम बस वो घूंघट की वजह से आंखें होते हुए भी तुम्हें चीजें दिखाई नहीं दे रही है। इतना बड़ा आदमी दिखता नहीं है क्या? अगर हम ये घूंघट हटा देंगे तो आपको हमारा चेहरा दिख जाएगा। हाँ तो आपने तो कहा था कि आपको हमारा चेहरा नहीं देखना था। नहीं देखना था, कल कहा था ना निकालने को। अब हटाओ घूंघट। लीजिए हटा देते हैं घूंघट। कसम खाते हैं कि आज के बाद आपके सामने कभी भी घूंघट नहीं लेंगे। हमें आपसे जो कहना है वो तो सुन लीजिए। हमने सुना कि मुख्यमंत्री जी पर कोई हमला कराने वाला है। एक आदमी नकली डॉक्टर बनकर अस्पताल जाएगा और अभय जी हमारी बात तो सुनिए। ये क्या हुआ? हत्यारों की जय हो। अरे ये लल्ला के पीछे पीछे क्या बात बताने ऐसे जा रही है? हा? अम्मा कहीं इसको हमारे खिलाफ सबूत तो नहीं मिल गया है? अगर इसने बता दिया तो हमारा वो हाल होगा जैसे गए तो हरि भजन को। नहीं 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 नहीं, अधजल घगरी छलकत जाए। नहीं नहीं नहीं, कौन सा मुहावरा था अम्मा? अरे चुप, हत्यारों की जय हो। मुहावरे ना गिनाना बंद करते और ये सोच के हम इसे रोकेंगे कैसे? अरे इसका तो मुंह बंद करना ही पड़ेगा।